पर इतना ये एक ख्याल उनके रहता निरंतर कि कन्हैया को कहीं पर दुख न हो जाए। प्रेम की यही खास बात है, स्वाभाविक प्रेमी ये देखता नहीं, पद पद पर पैर वो फूंककर नहीं धरता, उसका स्वभाव बन जाता है अपने प्रियतम का सुख। उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, स्वभाव से ही उसकी सारी क्रियाएं सारी चेष्टाएं अपने आप उसके अनुकूल होगी। वो आज तुझ पर खींचने से राजी होगा तो खींच जाते, तो राजी होगा इसलिए खींच जाते ही उनको ख्याल नहीं है, स्वाभाविक ही वो प्रेम की इस प्रकार की स्फुरना होती है मन में कि अपने आप उसके अनुकूल क्रिया करवा देती है। तो दाऊरे रोज लड़ते लड़ पड़ते आपस में, बड़े छोटे भाई भी, दाऊ जी ख्याल तो बहुत रखते। आज के बाद दूसरी आज तो ये बीच की बात कहते हैं कि ये गए, लेकिन इनके कभी कभी बड़े आपस में लड़ पड़ते। एक दिन के बाद सोए और उठ गए, दाऊ ने हंसी हंसी में कह दिया, बोले कन्हैया अरे तू तो मोल का लाया है, जाया थोड़ा ही है। तो ये खींच गए, बोले ये भैया ने मुझे मोल का लाया कह दिया, बड़े नाराज और खेल छोड़ कर। अरे बोले भैया फिर फिर खेले खेले फिर नहीं कहेंगे, बोले नहीं नहीं अभी माँ से जाके कहना है। दौड़े हुए आए, सुधा जी ने देखा, आ करके रोने लगे, बेटा क्यों रोता, हाथ फेरने लगी मैया मुंह पर, वात्सल्य भाव उमड़ा, मैया के भी आंखों में आंसू आ गए, गोद बोले कलेवा कर ले माखन, बोले नहीं माखन माखन नहीं खाना है, खिजे हुए। क्या हुआ तब थोड़ी देर रोने के बाद जब मैया ने हाथ वाथ फेरा तब थोड़ी सांत्वना मिली, धीरे जाया तब बोल सके, बोले मैया देख ये दाऊ बड़ा बदमाश है, क्या किया, बोले इसने मुझको बड़ा चिढ़ाया बड़ा खिजाय दिया। मैया मुंह दाऊ बहुत खिजाए, वो सो कहत मूल को लीनू तू जसमति कब जायो। मैया मुझसे कहा कि तू तो मोल का लाया हुआ है, यशोदा ने तुझको कब जाया। तो मैया मेरे इतना गुस्सा आया कि इन लोगों के साथ कभी खेल ही नहीं, कहा करो ये रिश्त के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम लगात, चुटकी गए दे मोल नचावत हसत सब है मुस्कात। बोले मैया मुझसे मुझसे कहते हैं सब के सब, दाऊ के पीछे सब हो रही है, सारे के सारे अब सब दाऊ का पक्ष लेने लगे, कहने लगे बार बार कहते हैं कि तू कौन तेरी माँ है, कौन तेरा बाप है, अरे हमारे नंद बाबा गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू काला काला कहाँ से आ गया, तो तू उनका जाया हुआ नहीं। तू बोले ताली पीट पीट करके चुटकी बजा बजा के मुझको हंसाते हैं, वह खुद हंसते हैं चुड़ाते हैं मुझको, और मैं जलता रहता हूं, मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है। तो मैया और मैया फिर तू भी ऐसी हो गई है, जब कभी शिकायत करता हूं तो मुझको ही डांटती है, मुझको ही लाठी दिखाती है, तू मोही को मारना सीखी दाऊ कभी खींच जाए, मोहन मुख रिस की है बातें जस मते सुन सुनी रीढ़े, भैया तुम्हें मुझे मारना सीख गई, दाऊ को तो कभी खींचती नहीं। अब इनके मन में दाऊ में उसमें तो भेद तो है नहीं, दाऊ रोहिणी का बेटा है, व्यवहार में कैसे खींचे ये सब बात नहीं, वो तो एक से है, तुम मुझ पर खींचती है दाऊ पर नहीं खींचती। इस प्रकार से श्याम सुंदर के मुंह से मीठी मीठी बातें सुनकर मैया रीझ जाती है, ये मैया को रिझाने की लीला है, लीला क्या है। तो मैया बोले नहीं बेटा नहीं, मैं बोले नहीं कैसे, तू तो कहती है नहीं नहीं, और वो मानता नहीं, वो कहता है। तो बोले
देख बेटा मैं गायों की सोगन खा के कहती कि तू मेरा बेटा, तू मेरा जाया, तू मेरा बेटा, मैं तेरी मैया, तू मेरा बेटा। सुन कान बलभद्र बलभद्र चबाई जन्म ही को धूप तो जलन से ही ऐसा ही है, कोई नया थोड़ी है। और सूर्य श्याम मुझे गोदन की सौ हूं माता तू पूत। बेटा गोधन की सोगन खा के कहती हूं कि मैं तेरी मैया हूं, तू मेरा बेटा है। प्रसन्न हो वो मैया, तब तो ठीक, अब देखो मैं उनको डांटूंगा कि हे मेरी मैया कहती है मेरा बेटा, तुम कह तुम्हारी बात कौन सुनेगा, मैया कहती है। फिर गए, फिर एक दिन घटना हो गई तो भागे, डर गए, थर्राते हुए कांपते हुए और डर गए। और आज जशोदा के पास नहीं आके पहुंचे हो ही मैया के पास सीधे। दाऊ की शिकायत बोली, ये मैया तो खींचती नहीं, ये मैया तो उस पर खींचती नहीं, ये तो ऐसी ही है। और रोहिणी मैया से कहना है वो ठीक करेगी। तो कांपते हुए डरते हुए से आए और रोते हुए रोहिणी मैया के गोद में। रोहिणी ने कहा बेटा क्या हो गया, अरे क्या हो गया बता दो सही। तो रो और कांप में बड़े बोले क्या हो गया। तब थोड़ा धीरे धीरे बंधाया गोद में रखा, बोले इशारा करे बोले दाऊ बड़ा बदमाश। तो मैया ने कहा आज आने दे उसको डांटूंगी खूब, तू बता दो सही क्या बात है। तो बोले देख रही रोहिणी मैया कैसे हैं बल दाऊ भैया, जमुना के तीर मुनि झुझुआ बतायो, सुबल श्री रामा साथ हंसत बूझत बात, आप डरते और मुनि डर पायो, जह जय बोले मोर मोर चिते रहते पाई और भाजोरे भैया वो देखो आयो। और आप गए तरु चढ़ी मुंह छोड़ो वाही तर, धर धर छाती करे दोरे घर आयो। बोले मैया ये भैया ने मुझको डरा दिया। दाऊ भैया ने कहा देव जमुना के तीर पर झुझुआ आ गया। और बोले श्री रामा और सुदामा और सुबल ये सब हंस हंस करके क्या कौन आ गया कौन आ गया, बोले झुझुआ आ गया। तो बोले ये खुद भी डरने से लगे और मैं तो एकदम डर गया। और मैया जहां जहां मोर बोले उधर वो देखते रहे, बोले देखो भागो 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 वो आया वो आया वो आया। और भाग करके आप तो गाछ पर चढ़ जाए फुदक से और मुझ को नीचे रख दे, मैं रह गया अकेला नीचे, मुझे बड़ा डर लगा। तो मैया भाग करके आया, ये दाऊ कितना बदमाश। रोहिणी मैया ने हृदय से लगा लिया, बोले नहीं बेटा वो तो तेरे से हंसी करता है, तेरा भैया है ना, वो तेरे से हंसी करता है, तू कोई तरह से डर मत। वो तो बोले मैया डराता है, बोले इसीलिए तो डराता है कि तू डर जाता है तो उनको हंसी आती है, मौज होती है, मौज करता है। बोले नहीं मैया तू तो बोले अच्छा तू डर गया, तुम सचमुच हाथ लगा तो छाती झटक गई। तो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, नील मणि को हृदय से लगा लिया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थन कराया, सुस्तवचन कराया, गोदान करवाया। बोले अब तेरा सारा डर मिट गया, देखो ना तेरे हाथ से गौदान हो गया। और ब्राह्मणों ने शांति पाठ कर दिया, अब हृदय से लगा लिया। तुम उछंग सो लिए लगाए, कंठ सो रहे लपटाए, वारी रे बारी मेरु हियो भरे आयो, परमानंद रानी बिज बुलाए वेद मंत्र पढ़ाए, बछिया को पूछ गई हाथ ही गौ हाथ ही दिवायो। इस प्रकार ये रोज का होता, पर आज जो है सरित तीर पर आज झगड़ा नहीं, आज दोनों भैया मजे में खेल रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन, यहां तो झगड़ा भी प्रेम का ही और समर्थन भी प्रेम का ही, तो आज दोनों के दोनों खेल रहे हैं। अब ये खेल में इतने मग्न हो गए कि खाना पीना ही भूल गए। अब मैया ने सोचा कि आज जन्म नक्षत्र है, इसका जन्मदिन है और आज ब्राह्मण आएंगे और सब भोजन वोजन करने आएंगे, महामहोत्सव है, रोज उत्सव रहता है उनके यहाँ जब से ये हुए।
तो आज तो सब लोगों को सारे ब्रज के लोग भोजन करने आएंगे और बड़ी धूमधाम रहेगी। तो पहले कुछ खा पी लेते, मध्यान्ह होने उनको आया और ये तो आते ही नहीं। घर लौटने के किनको याद है आज क्या हुआ। ये जिस दिन हारते उस दिन तो भाग जाते, और जिस दिन जीतते हैं उस दिन ये विजय गर्भ में रहते हैं, तो कभी और खेलो एक बार और खेलेंगे, और हारते हैं तब तो कहीं भाग जाते हैं। वो रूंगस खाना कहते हैं ना, झूठ बोल के भाग जाते हैं, नहीं हारे हम तो। आज इनकी विजय हो गई, ये हारे नहीं। बहुत देर हो गई तो मैया ने कहा आए नहीं, क्या करें। तो मैया बोली कि मैया ने रोहिणी जी को बुलाया, रोहिणी जी को बुला करके बोली कि देख बहन, तो घर में काम काज बहुत है और आज सब आने जाने वाले घर में लगे हुए हैं, तो मैं तो लगती हूँ घर के काम में, संभाल लूंगी मैं, और तुम जाओ। वो खेल रहे हैं दोनों भैया, तो वो खेलने में उनको तो याद कुछ रहता नहीं, खाना पीना सब भूल जाते हैं, तो तुम जा करके उनको बुला के आओ। और मुझे डर भी लग रहा है ना, जिस दिन से पेट टूटे, अब कहीं रस्ते उस दिन फिर पेट टूट जाए। ये दोनों बालक जो हैं ये बड़े उच्छृंखल है, झीठ बालक हैं, ये मानते मानते हैं नहीं, तुम न मालूम कहीं जा करके ये उत्पात में रम जा, तो तुम जाओ। तो मैया रोहिणी बात सुन करके गई, तो रोहिणी गई, रोहिणी जाकर के पुकारा, रूपे या तो यदा हूं तो क्रीड़ा संजन पुत्र गौ, पुकारा अरे बेटा आओ आओ, देखो मैया बुला रही है। पर कौन सुने, रोहिणी मैया की बात कौन सुने, सुनी सुनाई नहीं इन्होंने रोहिणी मैया की बात, खेल में लगे रहे जो के क्यों। यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम कीरंतम सा सुतम बारिम सागरजम यशोदा जो हमी कृष्णम पुत्र स्नेशनी कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष ही स्तनम पिब अलम विहारे क्षुपक्षांत क्रियाश्रांतो से पुत्र ही रामा गच्छताशु सानुज कुल नंदन प्राचरेद कृतारा सद्भवान भुक्तमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भुक्षमाणो व्रजाधिप ईशा वयो प्रियं देहि स्वगृहान् व्यात बालकाः धूलभूषणिकाङ्गस्त्वं पुत्रम् अजनमाहव जन्मक्षुद्मध्ये भवतु विप्रेभ्यो देहि दाशुचिः पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं तस्मात्कृतहारो गिरस्व स्वलङ्कृतः। रोहिणी मैया को भेजा तो रोहिणी मैया की बात तुमने सुनी सुनाई नहीं, रोहिणी ने बहुत पुकारा बहुत कहा तुम आ जाओ, पर रोहिणी की बात वहां इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है कि उनके कान तक ही नहीं गई। वो सब बच्चे मार शोर मचा रहे खेल में, तो रोहिणी मैया की बात के शब्द उसके कान तक ही उनके नहीं पहुंचे। बिचारी लौट आई, आ करके बोली कि बहन यशोदा वो तो मेरे नाम के तो दोनों रहे थे, घर का काम मैं कर लूंगी और तुम जा करके तुम लाओ वो, तुम्हारी बात दोनों मानते, मेरी तो मानते नहीं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि अब तो उनको खिलाना ही है ना, नहीं तो ठीक नहीं। तो ये जैसे भगवान प्रेमाधीन ऐसे ही इनका हृदय स्नेह वशीभूत, मने यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण स्नेह के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं। उनकी सारी क्रिया सारी चेष्टा श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित ही होती। हम लोगों के विषयी लोगों के और प्रेमियों के कार्य में यही अंतर है। प्रेमियों के सारे कार्य होते हैं भगवत प्रेम के द्वारा प्रेरित और भगवत प्रेम के लिए ही। हम लोगों के कार्य होते हैं भोग वासना से प्रेरित और भोग प्राप्ति के लिए।
खाते पीते हम भी हैं, वो भी हैं, काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो उनके और हमारे काम में ये मौलिक अंतर है कि हम विषयी लोग भोग वासना से प्रेरित होकर के काम में लगते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है भोग मिलना। भोग प्राप्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, दूसरे पर खींचते हैं, गुस्सा निकालते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं, सारा जीवन चिंता में और भटकने में बीतता है और भोग वासना को लेकर के नए नए पापों में प्रवृत्त होते हैं। और जहां भगवत प्रेम से प्रेरित चेष्टा होती है वहां जो नए नए काम होते हैं वे सारे के सारे प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यशोदा मैया जो है ये मानो वात्सल्य प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। वात्सल्य प्रेम घन होकर वो जो तरल पदार्थ था सरल, वो प्रेम द्रव वो घन होकर के यशोदा बन गए। यशोदा क्या चीज है? भगवान का वात्सल्य स्नेह मूर्तिमान। वात्सल्य स्नेह जो था वही मूर्त रूप में अवतीर्ण हो गया यशोदा बनकर। तो अब वे उनका जो आज जन्म नक्षत्र के दिन लोगों को बुलाना है, ब्राह्मणों की पूजा करना है, हवन करवाना है, ये सारे के सारे काम उनके श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित है। दूसरा कोई उसमें भाव नहीं और कोई प्रेरणा नहीं। तो ये कर रही थी रसोई और सब चीजों सब व्यवस्था कर रही थी। रोहिणी ने जब कहा आकर कि वो तो नहीं आते दोनों, हमने बहुत पुकारा बहुत पुकारा, पास तो मैं जाने नहीं पाई, इतने वो बच्चे सब घेरे हुए हो करें सब। तो बहन मैं तो आ गई, अब तू जा। तो ये रोहिणी जी की बात सुनकर काम करती उसी समय उठी और दौड़ी द्रुत, वो बहुत जोर से गई यमुना के तट पर जाकर के देखा दूर से तो किरुण मत हो रहे हैं। अब देवता लोग क्या सोचते होंगे, इनकी ये बालपन की क्रीड़ा देख करके खेल देख करके देवता लोग जो केवल तत्व स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो तत्व स्वरूप को ही जानते हैं वे लोग, उनको समझ में नहीं आती होगी बात ये कि ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ और किस प्रकार से ये बेधड़क, कोई शर्म वरम नहीं लगती कि इतने बड़े आदमी होकर के इतने बड़े और ये इतने छोटे बने हुए हैं। मैया ने देखा वो उन्मत्त है, पागल हो रहा है राम और श्याम ये दोनों के दोनों। तो अरे कन्हैया अरे दाऊ अब कौन सुनता, तो बड़े जोर से चिल्लाई मैया जरा ऊंचे पर खड़े होकर के, अरे कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया अरे दाऊ। अब मैया ने नहीं सुना तो मैया ने अब असली बात कही जिसके लिए लालायित रहते हैं सदैव श्याम सुंदर, और समझा रही थी मैया जिसके लिए अब तक कि छोड़ दे अब नहीं, अब तो तेरी उम्र बड़ी हो गई। मैया ने सोचा कि भी यही एक लालच की चीज है। तो मैया ने पुकारा जोर से, अरे बहुत देर होगी तेने स्तनपान नहीं किया, तो जल्दी दौड़ देख मैं नहीं आ गई, तू तो खेलने में मतवाला हो रहा है। अरे भैया आओ ना। तो जब मैया की ये आवाज कान में गई कि स्तनपान कर ले आकर जल्दी से, तो मन चला, बच्चों ने कहा एक बाजी और खेल लो, तब जरा बच्चे जीत रहे थे तो इससे भी कुछ मन इनका हट रहा था। जब बच्चे जीतने लगे तो बोले अब तू हारे कौन, हारते तो हम सदा ही हारे हुए हैं। तो अब मैया ने देखा कि बच्चे नहीं मानते, तो मैया का हृदय जो है ये स्नेह प्लुत है, भरा हुआ है स्नेह से लबालक। तो ये मैया गोकुल के सभी बालकों को बेटे ही मानती है और खास इसलिए कि कन्हैया के साथ खेलने वाले।
कन्हैया को जो सुख दे वही बेटा, मैया के लिए यही बात, जो कन्हैया को सुख दे वही मैया का बेटा, कन्हैया से बढ़कर, क्योंकि कन्हैया को सुख देने वाला है, कन्हैया के सुख की सामग्री जो कुछ भी वो मैया को कन्हैया से बढ़कर प्यारी। तो ये सब बच्चे भी मानते मैया को, बहुत मानते। जो बच्चे नहीं मानते तो मैया ने कहा तो करे मुझ मंगल शुभ सुदाम, सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरी सेवन है, खेलना बंद करो। अरे मैं मैया शोभन कढ़ा रही है, आपस में बच्चे देख रहे, अरे मैया ने क्या सुना तो तुमने, मैया ने कहा कि मत खेलो। बोले मैया ये देखा, बोले अपने में घर जा। अब तो मैया की आज्ञा वो टाल नहीं सकते, बच्चे बड़ी श्रद्धा करते मैया पर, आदेश पालन करते। तो ब्रज के बालकों से जब मैया ने कहा घर चले जाओ, तो मैया ने कहा कि नहीं यार तुम खेलो अकेले, हमको तो मैया ने कह दिया घर जाने का, घर जाने के लिए तो हम तो जा रहे हैं, तो बस खेल छोड़ दिया। बच्चों ने खेल छोड़ दिया, घर जाने लगे तो यशोदा बोली अरे अरे कन्हैया देख तेरा सारा बदन भर गया धूल से, धूल से बेटा अंग धूल से भर गया तेरा सारा शरीर, अब तो तू आ जल्दी नहा ले, देख बहुत देर हो गई और इसे बच्चे जा रहे हैं। बच्चों ने कहा हम तो जाते हैं भैया, तू नहीं जाता तो ना सही, तेरी माँ आ गई तू क्यों जाएगा, हम तो जाते हैं। बच्चे जाने लगे, अब मैया कुछ पास आ गई, मैया ने कहा देख बेटा आज तेरा जन्म नक्षत्र है और घर में आज बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं, और तू जल्दी चल के नहा ले, नहा धोकर ठीक हो जा तो अपने हाथ से तू गोदान कर, बड़ा पुण्य होगा, और तू तो देख ब्राह्मण से बड़ा प्यार किया करता है, जब जब ब्राह्मण आते हैं तू उनके चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़ लेता है, नमस्कार करता है, और ब्राह्मण तेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, और जब जब तू ब्राह्मण को दान देता है तब तो तुझे बड़ा सुख मिला करता है बेटा, तो जल्दी चल, अब देर का काम नहीं, देख ब्राह्मण कहीं लौट गए तो आकर के। तो ये दारू से बोले कि भैया देख अब तो बच्चे तो सब गए, और मेरे मन में आ रही है कि जरा माँ का दूध पी लूं जल्दी से, और ब्राह्मण भी आ गए हैं, तो अब चलो दाऊ ने कहा ठीक ठीक अब चलना ही चाहिए। तो माँ देखो बहुत देर से पुकार रही है, रोहिणी मैया भी आई थी, हम लोगों ने बात नहीं सुनी, तो फिर मैया बोली कि देख बेटा ये स्नान भोजन करना चाहिए ना, तो जल्दी चल। तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर भाव, कहते हैं कि मैया का वात्सल्य का व्यवहार कितना चमत्कारमय है। योगिंद्र मुनिंद्र बड़े बड़े सुरमुनि ऋषि तपस्वी महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक निरंतर ध्यान योग के द्वारा जिनका आराधन करके हृदय में ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान में मूर्ति को लाना चाहते हैं, पर मूर्ति की स्फूर्ति नहीं होती, ध्यान में भी भगवान के चरणारविंद भगवान का मुखारविंद बदनारविंद नहीं आते। और यशोदा मैया का कितना सौभाग्य कि उन्हें सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण और उनके अभूत वो अभिन्न मूर्ति दाऊ के हाथ पकड़ के उन्हें ले जाने लगी, हाथ पकड़ लिया, ध्यानवान की बात नहीं। अब ये दोनों चढ़ गए मैया के गोद पर, एक 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 कांधे पर और एक पर वो चढ़ा लिया मैया ने। मैया तो नहीं जानती, मैया ये नहीं जानती कि सर्व पूज्य ये सर्वांतर यानी सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वशक्तिवान भगवान है, ये नहीं। मैया ने अपनी मुट्ठी में मुट्ठी से पकड़ लिया हाथ और घर ले आई मैया। घर ला करके मैया ने कहा इतने में बच्चे तो सब भाग गए थे ना, वो सच सच के जल्दी आ गए, आज तो इनके घर उत्सव है ना। तो मैया बोली देख
देख तो सही बेटा, तू तो दूर से लखपत हो रहा है, जो जिस टाइम में करता है तेरे साथी देख। देख इनकी इनकी माया ने कैसे सजा दिया है, सबके सब बच्चे तुम्हारे साथी जो हैं, ये पश्य पश्य वैश्यास्ते मात्र निष्ठान स्वलंकृता, तुम तो स्नातक कथा है वो मेरा स्वलंकृता। देख बेटा देख, ये तेरे साथ खेलने वाले सबके सब तेरे दोस्त, इन सबको तो इनकी माताओं ने कैसा नहला धुला करके पूछ कर साफ करके और अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना करके और भेज दिया। देख कैसे भी बजे लगते हैं, तो तेरे अभी धूल लगी है, तू जल्दी नहा धो ले, फिर खा पी कर कपड़े उपड़े खूब पहन कर, मैं भी सजा दूंगी, गहना पहनाऊंगी खूब, उसके बाद फिर खेलना। तो इत्थम यशोदा तम शेख शेष शेखरम मत्वा सुतम स्ने निबद्धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सहराम अच्युतम नीत्वा स्वबाटम गतवत् तथोदयम्। हाथ पकड़ के इस प्रकार से मैया वो चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को पुत्र मानती हुई और ले आई और ले करके बड़े प्रेम से उनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया और मोद से उनको पास बैठा करके फिर मैया समझाने लगा। इधर क्या हुआ, कन्हैया ने कहा कि देख मैया, जन्म नक्षत्र तो है सो है, ब्राह्मण तो आए हैं, अब मैंने दूध तो पी लिया पर आज मैं खेला बहुत, तो मैया मुझे ज्यादा भूख लग गई, तो तू ये सब अलंगा करने लगी है, ये बड़े बड़े टोकने चढ़ा दिए और ये सब करती है, ये तो पीछे करना, पहले तू मेरे लिए और भोजन का सामान इकट्ठा कर, मैं तो जल्दी खाऊंगा। प्रसन्न हो गई मैया, प्रसन्न हो गई, सजा तो दिया ही था, अब राम श्याम दोनों को नंद बाबा आ गए थे, नंद बाबा के पास ले जाके बैठा दिया। नंद बाबा ने दोनों को गोद में बैठा लिया, दोनों गोद में बैठा दिया और देखने लगे उनके स्मित समन्वित मुखार बिंद को, और उनके दर्शन से ही, उनको देखने से ही नंद बाबा का चित्त अत्यंत प्रमोद में भर गया। उपसन्न चित्तयो प्रमुदित मना मनाक स्मित पूर्ण वेक्ष वदनम निज मंक मारूपया मा सब राज अन्य वृंदावन चंपू में है कि गोद में बैठा करके उनका मुख देख देख करके प्रमुदित होने लगे। अब वो मैया ने कहा, तू कहता था ना कि खाया गया तो भोजन रखा सामने, खाता तो है नहीं, अब ये तो बाबा की गोद में आके भूल गए खाना। बाबा की गोद, मैया की गोद, तो बहुत चीजें ला करके रखी मैया ने, तो अब ये भोजन करने कुछ कराने ले, कभी मार मुंह दे, कभी अपने आप बढ़ा तू हटा, मैं अपने आप खाऊंगा। तो सूरदास जी ने ये देखा, ये भोजन करते देखा नंद बाबा के गोद में, तो जेमत श्याम नंद की कन्या कछुक घात कछु धरनी गिरावत सब निरखत नंद रनिया, बड़ी बरा बेसन बहु भातन व्यंजन विविध अगनिया, दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, जोर से नंद जशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीनू मांगत सूर जुठनिया। ये भगवान खाने लगे, कुछ खाते हैं, कुछ हाथ से गिर जाता है, कुछ नीचे फेंक देते हैं, और नंद रानी इस छवि को देख देख करके और हर्षित हो रही, बड़ी बड़े बेसन की चीजें
बहुत भांति के साग तरकारी मिठाई रायता उठाते हैं, खाते हैं, अपने हाथ से फिर खाने लगते हैं। दही बड़ा अच्छा लगता है, मिश्री दही माखन ये कभी मिला लेते हैं, दही में भी मक्खन मिला लेते हैं। ये तो है नहीं किस हिसाब का मिलाना चाहिए, जो मन में है मिला लिया। बोले बाबा तू भी खाए हो। एक गिलास या एक गिलास बाबा के मुंह में दे दिया। बोले बाबा तू भी खा ले, बड़ा स्वाद है ये बड़ा अच्छा है, बाबा तू भी खा ले। तो आपने खात नंद मोखन आवत सो छदि कहते न बनिया, स्वयं खाते हैं नंद के मुंह में भी दे देते हैं और कहते हैं वो छवि कुछ वर्णन करने में नहीं आती। सूरदास जी ने कहा कि क्या बताऊं, जो रस नंद जशोदा बिलसत सो नहीं तुम भुवनिया। नंद जशोदा को जो जिस रस का अनुभव हो रहा है, जिस रस का विलास इन्हें मिल रहा है, जिसको ये बिलस रहे हैं, त्रिलोक में वो रस कहीं नहीं, कहां मिलेगा। त्रिभुवनपति सर्वेश्वर भगवान स्वयं इस प्रकार भूखे बनकर गोद में बैठ करके खाएं खिलाएं, ये रस कहां है। खाने लग दुखा पीकर नंद बाबा ने कहा बेटा हाथ धो ले। कौन धोवे, तो नंद बाबा ने स्वयं अपने हाथ धोए, उनका मुंह धोया, हाथ में कुल्ला उल्ला कराया, ऐसे नंद बाबा तो ही कर दिया। सूरदास जी ने कहा कि हमको जरा दूठन मिल जाए, मांगे तो सूर दूठनिया। तो इस प्रकार से नित्य निरंतर वहां नए नए खेल हो रहे हैं और एक दिन नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें रोज होती हैं। ये जहां कलेवा पूरा हुआ कि फिर भागे, अब इनको अब तक तो बाहर बंद थे, अंदर बंद रहे ना, मैया ने कह दिया था कि आंगन से बाहर जाना मत, अब खुली छूट हो गई। तो छूट होने के बाद तो बस सीधे जमुना के तट पर पहुंचते हैं, किसी किसी दिन तो मैया को मिलते ही नहीं, कहीं छिप जाते जाकर के किसी कहीं जगह पर, तो मैया ढूंढने लगती है, प्रलाप करने लगती है और मैया रोने लगती है। मैया का जो प्रेमोन्माद होता है वो फिर उनके कान में जा पहुंचता है। दूर होते हैं वो तो अंतर्यामी है, तो पर यहां अंतर्यामी पना नहीं, मैया जब प्रेम से पागल हो करके और जब प्रलाप करने लगती हैं तो ये दौड़े हुए आते हैं फिर सुन करके और मैया के गले लग जाते हैं। सूरदास जी ने एक बार देखा ये गए कहीं, मैया खोज आई मिले नहीं, मिले नहीं तो अभी पगली हो, पगली सी हो गई, अभी आवे अभी आवे, रास्ते बार बार बाहर गए देख करके आ फिर नहीं आ रहे, कोई जाओ ना पता लगाओ कोई कन्हैया कहां। को माई बोल ले हूं गोपा नहीं, मैं अपने को पंख निहारती, खेलत देर भई नजला नहीं, तेरत बड़ी बार भई मुख नहीं पावत घन श्याम तमा नहीं, सिद्ध जीवत सिरात नंद बैठे लाव बोल कान तत्काल नहीं, भोजन करे नंद संग मिलके भूख लगी हुई है मेरे बाल नहीं, सूर श्याम मग जोवत जननी आए गए सुनी बचन रसा रही। मैया पगली सी हो गई, मैया बार बार रास्ता देखे, कहती मैया कि मुझे कितनी देर रास्ता देखते हो गई, लाला आया नहीं खेलने में कहां रह गया, और मैं पुकार पुकार कर हार गई, कहीं मिलता नहीं घन श्याम तमाल, और ये भोजन ठंडा हो रहा है बाबा बैठे हैं, अरे कोई जाओ ना कहीं से उसको ढूंढ ढांड के लाओ, आवे बाबा के साथ खाए। और बच्चे को बड़ी भूख लगी होगी, मेरे बेटे को बड़ी भूख लगी होगी, उसको तो भूख का ज्ञान है नहीं, वो तो जब खेल में रम जाता है कहां चला गया। इस प्रकार जब रास्ता देख रही मैया प्रलाप कर रही तो इनके कान में पड़ गई आवाज, मैया की आवाज बात्सल्य हृदय। तो ये सुनते ही मैया के ये मीठे वचन
दस भाई और ये दौड़े आए, दौड़े आके गले लग गए। तो ये झांकी रोज राम श्याम की, भोजन की झांकी। अब यहां तो सारी झांकियां झांकी है, खेलने की झांकी, तो सोने की झांकी, तो उठने की झांकी, तो भोजन की झांकी, इस सारी झांकी झांकी। यहां तो आठों पहर ही आनंद ही आनंद का निरंतर ये प्रवाह चलता है रोज रोज। अब दोपहर को आना तो फिर वही चीज। तो ये गोपियां भी इसका आनंद लेती हैं। गोपियों ने आनंद लिया, इसलिए उनका स्वीकार हो गया कि पहले पहले तो मैया ने डांटा, ये गोपियां आती के नजर नजर लगा देंगी तो ठीक नहीं। तो डांटा तो बिचारी जाने लगी वापिस। तो जब ये आती तब तो ये हंसते गोपाल, वो देखती इनकी ओर, ये देखते उनकी ओर, तो हंसी आ जाती। और वो चले जाती, वो चिड़िया की तब रोने लगती, बस जाती। तब मैया ने सोचा इनका रहना ही ठीक। तब मैया ने कहा एक दिन के, भाई तुम लोग आज यहां करो, कोई बात नहीं, देखो जरा लगे तो मत बना देना लाला को, पर आज यहां करो, आज खरीद आ करो, कोई बात नहीं, दूर से देखा करो लाला को, और फिर तुम लोगों को भी जिमा दिया करेंगे। ये नहीं जब जीम देंगे बाबा और लाला, तब तुम लोगों को भी हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। तब दोनों चीज श्याम सुंदर का दर्शन मिले और उनकी लीला की झांकी देखने को मिले, भोजन करने के समय का आनंद मिले और फिर खुद प्रसाद मिल जाए तो क्या चाहिए। तो आने लगी। तो कहते हैं बड़े सुंदर, धूसर धूर अंग लपटान है, आन नंद कही दीन है, झारत धूरी संहारत अलके, बदन चूम तहलीन है, उठी उठी चलत न बैठत लालन, पितु पूछे पुचकार, खटरस मिरस लगत तिनको, सब खेल ही है मैं धारे, शिशु खेलन को सोर सुनत प्रभु, नजर बड़की उठी धामे, ते नंद प्रीति के बांधे लगे द्वार लवामे, मिलत जाय बालक वृंदन में, जुगल बंधुवत प्यारे, नर नारिन के लगे रहत मन, छिन्नबर होत न न्यारे, जो पर ब्रह्म अलख अविनाशी, घटघट व्यापक जो है, निज माया कई सब ही रमावत, वाह रमावत को है। फिर खाते खाते भाग जाए, बच्चे बच्चों को देख लें भाग जाए, ग्रास हाथ में रहे, नंद बाबा पीछे दे रहे, अरे लाला जरा खा तो ले, जरा खा ले लाला, अब लाला कौन खा ले, फिर इनको लावे, फिर लाके फिर बैठावे दोनों भाइयों को। इस प्रकार से नया नया आनंद, नई नई चीज रोज रोज हो। तो एक दिन की लीला बड़ी सुंदर, मैया ने दोपहर का भोजन करने के बाद समझा बुझा करके, फुसला करके, किसी प्रकार श्याम सुंदर को जरा रख लिया और बोली आंख में चोने को खेल खेलना है। तो हमारे साथ खेलो आंख मिचौनी का खेल। तो घर का अब खेल के बीच रह गए, तो मैया घर का काम छोड़ करके और कन्हैया की आंखें मूंदने लगी, बोली बोल ले हलवर भैया को, मेरे आगे खेल करो, कछु सुख दीजे मैया को, मैं मूंदू है आंख तुम्हारी, बालक रहे लुकाई, हर के श्याम सब सखा बुलाए, खेलन आंख मुदाई, हलधर कयो आंख को मूंदे, हरि कयो माद सोदा, सूर श्याम लय जनन खिलावत, हरक सहित मन मोदा, हरि तब अपनी आंख मुदाई, सखा सहित बलराम छपाने, जह तह गए भगाई, कान लाग क्यों जननी जसोदा, वाह घर में बलराम, बलदारू को आवन दही श्रीदामा सो काम, दौड़ दौड़ बालक सब आवत, छुत महरी को घात, सब आए रह सुबल सुदामा, हारे अब के पात, सुर पारि हरि सुबल ही धाये, गयो श्रीदामा जाय, दे दे सोहे नंद बाबा की जननी पहले आये, खुशी पारी दित सका सब भय, श्रीदामा चोर,
सूरदास हंस के यशोदा जीते हुए सुत मोर। इस प्रकार नित्य प्रति का खेल हो और खेल में मत बदेश्वरी को नए नए खेल दिखा दिखा करके दाऊ जी और ये कन्हैया नित्य आनंद मुग्ध करते रहे, मैया सबका निर्णय दे दे कौन जीता। बोले मैया तू बता कौन जीता। अब कन्हैया को तो मालूम है कि मैया तो मेरी कहेगी हार जाऊंगा तो भी कहेगी यही जीता। तो यू नए नए खेल हूं इस प्रकार खेलते रहे एक दो खेलते खेलते और आंगन में सो गए। इधर ये सोए और उधर नंद बाबा वगैरह तो बड़े उनके सामने एक समस्या आ गई थी, उसकी आज मीटिंग होगी, उनकी सभा होगी, जरा इनके सोने का आनंद ले लें और फिर उनकी मीटिंग में हम लोग चले। आंगन में हरि सोय गए मिलके हरुए करी दूजन मिलके हरुए करी तेज सहित तब भवन लये आंगन में हरि ये सोय गए री आंगन में हरि सोय गए री नेकु नहीं घर में बैठत है खेलही के अब रंग रहे नेकु नहीं घर में बैठ तू है खेल ही के अब रंग रहे यही विधि श्याम कबहू नहीं सो। Yeah!